नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरेली काली बरेली के यूजी के नए एडमिशन की। फर्स्ट मेरिट कट ऑफ जारी हो गई है। सो अगर आप लोगों ने भी बरेली काली बरेली में एक नया एडमिशन बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक नए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और आप लोग भी काफी समय से फर्स्ट मेरिट कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली बरेली कॉलेज बरेली ने आज अभी बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीए एंड बीकॉम की फर्स्ट मेरिट कट ऑफ जारी कर दी है। सो जिन स्टूडेंट का यहाँ पर फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम आया है, उन स्टूडेंट को किस प्रकार से अपना एडमिशन लेना है, क्या दस्तावेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट मेरिट कट ऑफ कितने पर लगी है, अगर जिन स्टूडेंट का एडमिशन में नाम आया है उन स्टूडेंट को यहाँ पर कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो कम्प्लीट जरूर देखना है। उम्मीद पूरी करते हैं कि यदि आप लोग भी ये वीडियो कम्प्लीट देख लेंगे, आप लोग भी बरेली काली बरेली के बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए एंड बीकॉम की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, फाइनली बरेली काले बरेली ने आज के दिन फर्स्ट मेरिट कट ऑफ जारी कर दी है। आप लोग देख सकते हैं ये बीएससी मैथ ग्रुप के स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की 2023-24 की पहली मेरिट कट ऑफ है। और अगर आपका भी इस मेरिट कट ऑफ में नाम आ गया है तो आप लोग भी अपना एडमिशन 5 तारीख से ले सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 17/8/2023 रखी गई है। टाइम आप लोग देख सकते हैं 5 बजे तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और फर्स्ट मेरिट कट ऑफ आप लोग देखिएगा बीएससी मैथ ग्रुप की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट को बुला लिया है, मतलब सारे स्टूडेंट जितने लोगों ने बीएससी मैथ में आवेदन किया है सारे स्टूडेंट के यहां पर आवेदन हो जाएंगे। अब आप लोग यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपका भी फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम आ गया तो आप लोग एडमिशन कैसे लेंगे, ये जानकारी भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इनके नोट में यहां पर पूरी जानकारी लिखी हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के उपरांत प्रवेश में कोई भी अगर आप लोग रह जाते हैं तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखिएगा कि प्रवेश हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन करके और वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और सब्जेक्ट लेने के बाद आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप लोग 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बरेली काली बरेली के सेमिनार कक्ष में जाके अपनी समस्या का सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे 5वें नंबर पे एक ऑप्शन और रखा है कि एडमिशन फीस पेमेंट करते वक्त यदि आप लोग ATM, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है, तो आप लोग 6 घंटे के बाद आप अपने फॉर्म को लॉग इन करके फॉर्म को चेक करने के बाद आप लोग दोबारा पेमेंट कीजिएगा। इसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहां पर लिख रखी है। बाकी आप लोग अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर किस प्रकार से एडमिशन लेंगे वो हम आपको कल वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि अभी बरेली काली बरेली के पोर्टल पे फर्स्ट मेरिट कट ऑफ नहीं आई है। ये मेरे पास पर्सनली किसी कैंडिडेट ने सेंड की है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी जब भी आपकी फर्स्ट मेरिट कट ऑफ आएगी तब आपको अपना एडमिशन का एक लिंक भी देखने को मिल जाएगा। और जिन जिन का फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम आएगा उन स्टूडेंट के पास ईमेल और फोन के माध्यम से मैसेज भी सेंड किए जाएंगे, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फाइनली मैंने अभी यहाँ पर आपको बीएससी मैथ ग्रुप की फर्स्ट मेरिट कट ऑफ दिखाई है। अब दूसरी देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट मेरिट कट ऑफ जो कि यहाँ पर जारी हो चुकी है। एडमिशन डेट देखिएगा 5/8/2023 से लेकर यहाँ पर 7/8/2023 तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी मेरिट कट ऑफ आज के दिन जारी हुई है 4/5/2023 को। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर मेरिट कट ऑफ के बारे में समझिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट कट ऑफ इंडेक्स के हिसाब से निकाल ली है और ओवर आर रैंक के हिसाब से इन्होंने दी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ है तो यहाँ पर वो ओपन देख सकते हैं, ओपन स्टूडेंट की यहाँ पर
पर 102.704 से लेकर 73.006 तक गई है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं आपकी जो इंडेक्स है वो यहाँ पर 102.704 से लेकर 73.006 तक फर्स्ट मेरिट कट ऑफ गई है। और यहाँ पर रैंक देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं एक नंबर से लेकर 644 नंबर तक के स्टूडेंट के बीए फर्स्ट ईयर में एक नया एडमिशन में नंबर आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को बता दें, इनके जो नोट हैं वो बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वही सारे नियम बीए वाले स्टूडेंट के भी लागू होते हैं, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बाकी आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कल पोर्टल पे अपडेट होगी, और अपडेट होने के बाद आप लोगों के पास ईमेल और फोन नंबर के माध्यम से SMS सेंड किए जाएंगे, तब आप लोगों को हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आने वाली जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तीसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BSc बायो की, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट सेम के फर्स्ट ईयर की पहली मेरिट कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। सेकंड सेशन देखिएगा 2023-24 लागू हो चुका है, और अगर आपका भी फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम आ गया है तो आप लोग भी 5/8/2023 से लेकर 7/8/2023 तक 5 बजे तक अपना एडमिशन टेल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मेरिट कट ऑफ आज के दिन जारी हो चुकी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसकी जो मेरिट इंडेक्स है वो यहाँ पर ओपन गई है, और ओपन में आप लोग देखिएगा 95.582 से लेकर 77.301 तक यहाँ पर मेरिट इंडेक्स गई है। इसके बाद ओवर रैंक देखिएगा, एक नंबर से लेकर 252 नंबर तक आपका नंबर आ चुका है। जिन स्टूडेंट का एक रैंक से लेकर 252 के बीच के फॉर्म है, उन सारे स्टूडेंट के एडमिशन यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा जो नियम आप पे पहले स्टूडेंट पे लागू हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन, वो ही सारे आप पे भी लागू होंगे। और ये आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कल देखने को मिलेगा 9 बजे के बाद। हम आपको 9 बजे के बाद ही वीडियो लेकर आएंगे कि किस प्रकार से जिन स्टूडेंट का नाम आ गया है वो एडमिशन किस प्रकार से लेंगे, क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, कितनी फी जमा करेंगे, सारी जानकारी आपको कल मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब आपको फाइनली दिखा रहे हैं BCom के फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की पहली मेरिट कट ऑफ, जो कि आज के दिन जारी हुई है बरेली कॉलेज बरेली की तरफ से। और यहां पर देख सकते हैं जिन स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो 5/8/2023 से लेकर 7/8/2023 तक अपना नया एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी मेरिट कट ऑफ आज के दिन जारी हुई है, डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स मेरिट गई है वो यहाँ पर देखिएगा ओपन गई है, और वो यहाँ पर 96.586 से लेकर 69.734 तक गई है। मतलब सबसे ज्यादा BCom के स्टूडेंट की ही मेरिट कट ऑफ गिरी है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर से लेकर 364 नंबर तक के सभी स्टूडेंट के यहाँ पर नाम आ चुके हैं। और इन सारे स्टूडेंट पर भी वही नियम लागू होते हैं कि किस प्रकार से आप अपने एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जिन स्टूडेंट का नाम आएगा उनके पास ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सूचना पहुंचती रहेगी, और जब भी आपको एडमिशन का प्रोसेस ओपन होगा तब हम आपको चैनल के माध्यम से वीडियो दे देंगे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार भी जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है, आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये थी कुछ बीए बीएससी बीकॉम यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर की पहली मेरिट कट ऑफ, जो कि आज की इस वीडियो में आपको पहले दिखा दी है। अब आप लोगों को एक बार बरेली कॉलेज बरेली का पोर्टल और दिखा देता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी ये पोर्टल पे अपडेट यहां पर नहीं हुई है, तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाकी आप लोग यहां पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं BCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर हमें एक लिंक और देखने को मिल रहा है नया एडमिशन कट ऑफ, तो हम इस पर क्लिक करके एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी पोर्टल पे कोई भी अपडेट नहीं है, हालांकि मुझे पर्सनली ये मेरिट लिस्ट मिल चुकी है तो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये पोर्टल पे कल मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक अपडेट कर दी जाएगी, और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम आया है
उन स्टूडेंट के पास मैसेज और ईमेल के माध्यम से सूचना पहुंच जाएगी। अगर फिर भी आपके पास मैसेज और ईमेल के माध्यम से सूचना नहीं पहुंचती है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट कटआउट में नाम आया है या फिर नहीं आया, और अगर आपका फर्स्ट मेरिट कटआउट में नाम आ गया तो किस प्रकार से आपको बिना कॉलेज जाए अपने घर बैठे एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना है, फी सबमिट करनी है, और फी सबमिट करने के बाद आपकी जो सीट है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद जब आपका एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तब आप लोग एक दिन ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपको कॉलेज में जाके सबमिट करने पड़ेंगे, और सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेस हो जाएगा और आपको कॉलेज की तरफ से आई कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनली ये था कुछ प्रोसेस जो कि आपको मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के की तरह आपको बता दिया है। बाकी आपको लॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मैं देता रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।